एबीपीएस न्यूज। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री भूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल के नेतृत्व में जनपद भदोही के नए जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अखिल भारतीय प्रधान संगठन की जिला कमेटी भी मौजूद रही, जिसमें जनपद भदोही में नवनियुक्त जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री भूषण उपाध्याय ने जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद को संगठन में चल रही गतिविधियों के बारे में अवगत कराया तथा जिले में प्रधानों की समस्याओं पर चर्चा भी की गई। इसी के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर 8 अप्रैल को भदोही जनपद के औराई ब्लॉक सभागार में 11 बजे से होने वाली अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों की बैठक में जिलाधिकारी को आमंत्रित किया गया है। बैठक में जिले के समस्त आला अधिकारियों को प्रधानों की बैठक में उपस्थित रहने का लिखित निर्देश जारी कर दिया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्र, जिला उपाध्यक्ष श्रीराम दुबे, जिला उपाध्यक्ष सुशील तिवारी उर्फ मुन्ना, जिला संरक्षक रामधनी यादव, ब्लॉक अध्यक्ष भदोही पवन सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानपुर रमेश यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सुनियाबा चंद्रशेखर यादव, ग्राम प्रधान बेदनपुर कहा आलम, ग्राम प्रधान अनंगपुर केशव लाल उपस्थित रहे। और हम लोग प्रत्येक ब्लॉकों में बैठक करते हैं, प्रधानों की समस्या सुनते हैं और संबंधित जो है डायरी से वार्ता करते हैं और ये प्रतिदिन 5 से 7 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं जो हम लोग भारत सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिखाने के लिए हम लोग समय लेना चाहते हैं कि सर आपकी जो मंशा है, जो आपकी इच्छा है, जो है कि हम गाँव का विकास करें, ये देखिए आपने जो उत्थान गाँव में भेजा है उससे सापेक्ष प्रधान जी ने काम किया है। हमारे गाँव में कितने संख्या कितनी है, स्कूल कितने हैं और मतलब सड़क की स्थिति क्या है, गांव पूरा है। आप एक जिस भी गांव में चाहेंगे मैं आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का दे दूंगा। आप जैसे जिस गांव में चाहेंगे, कितने कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी हैं कौन, और मैं किसी भी समय को भेज सकता हूँ, जा करके देखो कि अभी 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, हमारे हाई स्कूल में टीचर आएंगे उसकी रिकॉर्डिंग कर। चैनल भी लॉन्च किया गया है, मेरी बहुत बहुत शुभकामना है और इसका अनुकरण अन्य जनपद भी करेंगे। प्रधानों से मेरी यही से कहना है, अनुरोध है कि जो शासकीय धन है, जो योजनाएँ हैं, सभी ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन करें और चूँकि भारत या प्रदेश किसानों से ही है, जब तक हम गांव की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, भारत की बात या प्रदेश की बात कर ही नहीं सकते। किसान संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, प्रदेश की बढ़ेगी, राज्य की बढ़ेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।